इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ टू शेयर विद यू गाइस दैट आवर मदर हैड एन MI. हम दोनों ही हैदराबाद में नहीं थे उनके पास. The only way we could help her was to ask her to take sublingual injection, जिसके बाद उनका पेन रिलीफ हुआ. इमरजेंसी में NICVD मूव कराया और वहाँ पे इमरजेंसी मैनेज हुई. में इनका एंजियोग्राफी हुई एंड दिस इज द एंजियोग्राफी शोइंग ट्रिपल वेसल डिजीज एंड दैट इज नॉट स्टेंटेबल. सो हमारे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज वेलन साइन ECG में पॉजिटिव था, विच मीन्स दैट शी इज़ अ वेरी हाई रिस्क फॉर मेजर हार्ट अटैक. फॉर दैट रीज़न वो ना शिफ्ट हम कर सकते थे और ना हम वेट कर सकते थे. सो हमने मेडिकेशंस कंटिन्यू की, कंटिन्यूस नाइट्राइट्स पे रहे. This is the picture where we have done with angiography and once the emergency was settled, we decided to shift to Karachi. Dr. Shahid Sami ko already hum videos send kar chuke the and he had advised nothing but cabbage aur wo bhi jitni jaldi ho sake. अल्लाह पाक मुझे सेहत दे. और तबीयत ख़राब हो गई है मुझे, ज़रा हार्ट का हो गया अचानक. दो दिन पहले ही पेन उठा. बस सो रही थी रात को, 3 बजे हुआ है. अच्छा. 3 बजे जैसे मेरी रूटीन है उठती हूँ नमाज के लिए. फिर उस दिन मेरी आँख लग गई, 4 बजे आँख खुली, एकदम दर्द से आँख खुली. करवट से सोई हुई थी, यहाँ यहाँ दर्द उठा और पीछे की तरह पूरे चेस्ट में फैल. हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडे ठंडे पसीने और इतना पसीने थे, इतना थे कि पूरा मेरे कपड़े जो थे बिल्कुल नचोड़ने वाले हो गए. इतनी पसीना बह रहा था. गैस की टेबलेट खाई, इसबगोल खाया, हर चीज़ खाई, लेकिन किसी से फर्क नहीं पड़ा. फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो वो, उसने कहा इंजी सेट रखो जबान के नीचे. तो करीब भी कोई हार्ट के उसमें हॉस्पिटल में चले जाओ. कासमाबाद में था वो, जल्दी फौरी जुहेब के साथ चली गई, तो मेरे बेटे के साथ. तो वो उसके बाद बस उन्होंने देखा तो वो मेरी ECG सही नहीं आई. परेशान हो गई मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे. फिर वही प्रोसेस शुरू हुआ माशाल्लाह. फिर उन्होंने बोला एंजियोग्राफी होगी. फिर मैं घर चली गई उसी टाइम इमरजेंसी में. फिर सुबह के टाइम मेरे बच्चों ने यहाँ से कराची से फ़ोन किया कि मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा बेटा भी. उन्होंने कहा कि आप एक टेस्ट होता है, आप जाओ OPD में टेस्ट करो. मैं टेस्ट करवाने गई, उन्होंने ECG की OPD में, तो उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी होगी. बस कल फिर ये भी कराची से आ गए फौरन. फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई, फिर यहाँ रात ही रात मुझे यहाँ ले आए, कराची ले आए. अभी यहाँ हूँ मैं, कोई टेस्ट करवाने आई हूँ. डॉक्टर शाहिद ने यही बताया कि आपकी 3 जो हैं, हम मिसाल दी है कि अभी एक दरख्त होता है, उस हाँ उसमें एक दरख्त होता है, उसमें पानी ना डालो तो सूख जाता है और पत्ते झड़ने लग जाते हैं. तो आपके साथ यही हुआ है, तो ये ऐसा करना पड़ेगा, इसको मतलब ब्लड पहुँचाना पड़ेगा. उससे थोड़े कलार्स हो गए और इसमें शुगर का भी इशू है. शुगर का भी है और इसका भी है. देखो अल्लाह मालिका, कोई घबराने वाली बात नहीं है. इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा. मुतवादर पढ़ रही हूँ मैं, मुसलसल पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला से दुआएँ कर रही हूँ. आप लोग भी दुआएँ करें मेरे लिए, मेरे हक में. मेरे अल्लाह पाक ये बेहतरी फरमाए और आप जब करें, और मेरे ऑपरेशन से अल्लाह पाक सेहत कामयाबी आता है. हाँ, पहले मेरे हस्बैंड का हुआ था, उसके लिए मैं टेंशन में थी. अब ये मेरे लिए, वो भी मेरे लिए बहुत टेंशन में है. वो भी मेरे साथ आए हैं इधर. मेरे बेटे का घर है इधर ही, हमारा अपना घर है. ये है फैसिलिटी, अल्लाह करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा. और इसी डॉक्टर से पहले मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन भी हुआ था, ब्रेक हुआ था. अभी मैं भी इसी से ही करवा रही हूँ. आगे अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह शिफा करेगा. आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा. माशाल्लाह, आमीन, खुदा हाफिज़.
पत्नी के तामन से, मेरे बच्चों के तामन से, मेरे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इनका मुझे तामन है। कल वहाँ हैदराबाद में भी पहुँच गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ भी बहुत इनकी हेल्प हुई, डॉक्टर वगैरह सारे इनके साथ साथ उनसे मिल के अपने हाथ से सारा कुछ कराया। फिर रात को हम यहाँ 1:30 बजे कराची पहुँचे, कराची मुझे लेके आ गए दोनों बच्चे सना और हुसैन। अल्लाह मियाँ इनको अब कामयाब करें, बहुत अच्छे डॉक्टर बनाए, बहुत अच्छे, जैसे अभी मैं शाहिद समी के पास आई हूँ, बहुत अच्छा डॉक्टर है, ऐसे मेरे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, हाँ ऐसे सर्जन बन जाएं। अल्लाह का करो तो मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ, अल्लाह मुझे सेहत दे, मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ। कोई 2 दिन पहले इनको MI हुआ था, रात का वक्त था और मैं भी नहीं थी घर में, हुसैन भी नहीं था, तो हमने सिर्फ एडवाइस दिया था कि आप एंजेसेट ले लें, सबलिंगुअल यानी ज़बान के नीचे रखने वाली दवा है, तो वो हमने रखवाई। और उसके बाद उनका पेन थोड़ा सा रिलीव, टिपिकल चेस्ट पेन था, उसमें ये होता है कि इंसान को सीने में दर्द होता है, लेफ़्ट साइड के आर्म में रेडिएट करता है, जॉ में जाता है और पीछे बैक पे भी, तो ये पेन काफ़ी टिपिकल था। इसमें स्वेटिंग वगैरह हो रही थी, घर में सबके एंजेसिड होनी चाहिए, डिस्प्रीन की गोली होनी चाहिए, जब ये दर्द हो तो ये लेना होता है, और कुछ 4 क्लोपिडोग्रेल की दवाएँ मैं सारी आपको बता दूँगी कौन कौन सी दवाएँ हैं जो इमीडिएटली लेनी है और कौन कौन सी दवाएँ थोड़ी देर बाद लेनी है, तो मैं आपको बताऊँगी इन सारी मेडिकेशंस का जो कि हार्ट अटैक की सूरत में इंसान के पास होनी चाहिए हमेशा घर में, किसी भी किस्म की, किसी जो ओल्ड एज लोग होते हैं घर में मौजूद होते हैं उनको अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आपको इमीडिएट मेडिकेशंस देनी होती है। इसके अलावा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब एंजेसिड दी गई उसके बाद इनका पेन थोड़ा सा रिलीफ हुआ, एडमिट करवाया, तो कोई 2 दिन तक कंटिन्यूस पेन था, तो ये नाइट राइड्स पे थी, और जब एंजियोग्राफी करवाई तो उसमें पता चला ट्रिपल वैक्सीन डिजीज है। डॉक्टर शाहिद समी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई वी नीड टू डू सर्जरी, जो मेरे ससुर की सर्जरी हुई वही सेम सर्जरी मेरी सास की होने वाली है, आप लोग से दुआओं की अपील है, आप प्लीज़ दुआएँ कीजिए, जिस तरह से पहले आप लोगों ने बहुत दुआएँ की, अभी भी प्लीज़ दुआएँ कीजिएगा। आई नो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, मेरी मदर इन लॉ आप सबकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं और आप यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो उसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दुआ करें जितना आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। So surgery is planned on Monday, inshallah. We request you people to please, please, please remember our mother in prayers. We hope to see you soon with good news, inshallah. Khuda hafiz, fi amanillah, dua mein yaad rakhe, apna khayal rakhe.